इकरारुल भाई बहुत अच्छे बंदे और हमेशा हक सच की बात पर चलते हैं। क्या कहूँगा, जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। मरियम बाजी थोड़ा मेहरबानी करे, हालात खराब हो गए हैं। फिर माफी हो गई होगा यार, इस तरह नहीं करते। अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है अल्लाह पाक के करम से आप बिल्कुल ठीक होंगे, हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। व्यूअर्स, अली तनवीर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल का मतलब है माशरे की अक्कासी करना, माशरे की पॉजिटिव अक्कासी करना। के तीन चार माह से अवाम जो है बड़ी कंफ्यूज है। इकरार भाई, सैयद इकरारुल हसन साहब का और पीर शुभ हक खतीब साहब का जो मसला या इशू है वो तो पूरे पाकिस्तान में हर बच्चा बड़ा बड़ी दिलचस्पी से देख रहा है। तो हम ये प्रोग्राम बना रहे हैं, आज सर्वे कर रहे हैं अवाम की राय लेने के लिए कि अवाम किसकी तरफ है, इकरार भाई की तरफ है या हक खतीब शुभ वाली सरकार की तरफ है। वैसे अगर माजी देखा जाए तो इकरार भाई ने हमेशा हक की बात की है, हक की जानब खड़े हुए हैं, माफिया के खिलाफ खड़े हुए हैं। तो इस वजह से अवाम जो है इन्हें बहुत मोहब्बत करती है। तो चलते हैं जी, सर्वे करते हैं, देखते हैं कौन हक की जानब है। आए जी, मेरा इकरार भाई हक पर है। माशाल्लाह, इकरार भाई हक पर है और वो सही कर रहे हैं। अगर इस तरह होता है दम दरूद से बंदे ठीक हो जाते तो फिर ये अस्पताल सारे खाली हो जाते पाकिस्तान के। जो हक दिते हैं हमेशा उसका साथ देना चाहिए और वो हक प्रस्त आदमी है और इस दुनिया तो अभी कुछ नहीं लैके जाना, मौत साढ़े नाल नाल है। लेकिन जिस आदमी को मौत याद है वो कभी गलत गल नहीं करता और किसी के हक नहीं छीनता। इस वास्ते कि जो हक दिते हैं उन्होंने असं उन्होंने नाल है, यानी आप इकरार भाई के साथ, इकरार भाई के साथ है। लेकिन अल्लाह ताला ने हिम्मत दे, अगर वो सच्चे हैं अल्लाह ताला की तरफ से तो हम उनके साथ हैं। तो व्यूअर माशाल्लाह, इकरार भाई ने जो भी प्रोग्राम किया है सारे आवाम कह रही है कि वो हमेशा हक पर होते हैं। तो हजरत साहब ने पूछ लेते हैं, आप भी बता दीजिए अपनी। इकरार भाई वाकई सच्चे हैं और वो पूरा अच्छे करते हैं, सच्चाई पे मबनी होते हैं और वो जो माफिया है उनके खिलाफ उनकी जंग जो है वो बिल्कुल सही है। अच्छा भाई, ये जो इकरार भाई और पीर खतीब हक खतीब साहब जो है शुभ वाली सरकार जी, इनकी जो आजकल मसला चल रहा है इसके बारे में आप क्या कहते हैं? सर, पूरी दुनिया में जहाँ देखो, जिस शहर में देखो, यही काम चल रहा है। हर किसी के अपने बोपे, अपने पीर खलीफा बने हुए हैं, किसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। हर बंदा अपना सिर्फ मंडी छापने के चक्कर में है, पैसा बना के चक्कर में है। आप हक की जानब किसको समझते हैं, इकरार भाई को समझते हैं कि हक खतीब को समझते हैं या दोनों को समझते हैं? इकरार भी तो वैसे बेस्ट है हमारे लिए, माशाल्लाह वो अच्छे हैं इंसान है और वो हमारे लिए बेस्ट है, बेहतर वही है हमारे। मैं कह रहा था ये पीर लहसन जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। हाँ, खतीब और इकरार भाई का जो मसला चल रहा है उसके बारे में बता रहे। हाँ, इकरार भाई ठीक कर रहे हैं ना। अच्छा, तो ये उनका उन्होंने एक्सपोर्ट किया है, ये पीर साहब को एक्सपोर्ट किया है। ये जो कर रहे हैं अच्छी बात तो नहीं है, ये शुरू कर रहे हैं और दम वगैरह से ऐसे किसी को निजात मिलती है पता? ये जो इतने डॉक्टर बैठे ये बेवकूफ है, ये ठीक कर रहे इकरार भाई ने, हम इकरार भाई के साथ हैं। बाकी ये जो पीर है हमें अच्छा नहीं समझते। यानी कि इकरार भाई ने जो आज तक प्रोग्राम किया सब हक की जन्म है। हाँ, जो इकरार भाई ने जो भी प्रोग्राम किया सब बेहतर है। वो यानी माफिया के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं जी, बिल्कुल जंग लड़ रहे हैं। आप बेटा कुछ कहना चाहते हैं? आप कहने जी, इकरार भाई जो भी काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं और हमेशा सच की तरफ चलते हैं। आप उनके फैन हैं? जी हाँ, इकरार भाई जिंदाबाद। इकरार भाई जिंदाबाद और इंशाल्लाह अच्छे बने। इंशाल्लाह इकरार भाई बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह रहे हैं बच्चे, हम उनके साथ हैं। तो इकरार भाई के साथ है। इकरार भाई आपको मुबारक हो जी, आप पहले ही जीत गए जी। यार एक नेक बंद है यार खतीब साहब जी जी, ठीक ना। ये हूँ इकरार साहब के बारे में क्या आख सकते हो, वो भी सही आदे, वो भी सही आदे माशाल्लाह, ठीक ना। असल तो सही नौकर थे उसे, ठीक है। हक खतीब साहब अल्लाह का कलाम पर हक है जी जी, हक खतीब साहब अपनी जाते सही है, बाकी जरा इकरार साहब अपनी जाते साफी है, अपनी जाते सही है। कहते अंदर तक क्या पता साहब ने जी जी, ठीक। क्या कहूँगा, जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। मरियम बाजी थोड़ा मेहरबानी करे, हालात खराब हो गए हैं खतीब पे, फिर चुप। ये आप देख रहे हैं ना, इसी वजह से महंगाई हो रही है, जरा मेहरबानी करें हमारे लियाकत हाल फिलहाल रहम करें थोड़ा सा। तो आप, मैं ये कहूँगा खतीब के बारे में, खतीब भी ठीक है, इकरार हसन भी ठीक है, उनको चाहिए कि अपने जो ना दोनों के तलबात है बैठ के जो रजामंदी है
10,000 बोले आवाम की जान छोड़े भाई। नहीं इकरार भाई बिकते नहीं है, उनके प्रोग्राम आपने पहले भी देखे होंगे। इकरार भाई ना झुकते हैं ना बिकते हैं। जांच फोन कर रहा था, वैसे जो राइट है इकरार भाई का वो भी मैं इसके साथ हूँ, क्योंकि बहुत नाइंसाफियां हुई है। मैं वीडियो देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे ना, देख रहा हूँ कि वो कभी तो कह रहे हैं किसी बच्चे का मसला हुआ था, एक बच्चे की डेथ हुई है, एक औरत लेडीज थी जी, फैमिली लेके गई थी उनको मुल्तान से, उनकी बाजू का मसला था जी, बाजू भी डैमेज हो गया बिचारी का, वो भी डेथ के करीब ही है। कहूंगा कि यार ये जहालत छोड़ें और हक सच के रस्ते पे आए जो अल्लाह ने फरमाया है। तो इतने साल से हक खतीब साहब जो है ना वो दम दरूद कर रहे थे, तो आवाम कभी नहीं बोली, जब इकरार भाई ने आवाज उठाई तो फिर बोली, यानी ये तो आवाम सोई हुई थी। नहीं आवाम तो आपको पता ना इलेक्शन से पहले सो गई थी, क्योंकि 9 मई का वाकया हो गया था हमारे ऊपर, उसके दौरान फिर वो सो गई। मौजूदा बात करें जी, मौजूदा बात ये कहूंगा इकरार हसन भी ठीक है अपनी जगह पे, हक खतीब भी कुछ लिहाज से ठीक है, क्योंकि वो खत्म नबूवत की बात पे बात करता है मसले पे। मैं ये नहीं कहूंगा कि हक खतीब भी गलत है और इकरार भाई भी गलत है, लेकिन देखना चाहिए। ज्यादा कौन उनसे आपसे बेहतर लग रहा है? हम वोट का वोटिंग कर रहे हैं, ज्यादा 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 अलग ही ज्यादा है, लेकिन ये अब आवाम की राय के साथ पता चलेगा ना कि कौन। आवाम तो ज्यादा इकरार भाई को सपोर्ट कर रही है, लेकिन मेरी भी सपोर्ट उनके साथ है, लेकिन आपने आजाद राय बताएंगे? आजाद राय नहीं, हम अगर आजाद बताएंगे तो फिर हम अडाला जेल से आगे आगे पीछे पीछे मिलेंगे। भाई कंफ्यूज लगते हैं जी मुझे। नहीं मैं कंफ्यूज नहीं हूँ, लोगों को करता हूँ। अच्छा अच्छा, क्योंकि हम कैदी नंबर 804 वाले हैं ना, इसीलिए। अच्छा जी, आप बताएं जी, ये बुजुर्ग पीछे खड़े हैं, ये कमजोर से शहरी है जी, जी 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 बताए नकली पीर बाबे इससे आप समझ गए होंगे। लूट मार करते हैं नकली पीर बाबे पास, और आप किसी बाबे के पास गए? कभी मोहब्बत का तवील लेने गए? नहीं गए, इसके उल्टा दे दिया। शादी होने के बजाय हुई नहीं, हुई नहीं, छोट गई। नहीं नहीं, ये आया था मेरे पास तवील लेने, इसने आके मुझे कह दिया मुर्शिद तवील जाली निकला, महबूब कदमों की जगह गले पड़ गया। तो व्यूअर ये जो है ना, हमने आवाम का सर्वे किया जी आपके सामने है, ज्यादा जो हमें राय मिली है वो इकरार भाई की तरफ मिली है। आवाम जो ज्यादा लाइक और शेयर और मोहब्बत कर रही है वो इकरार भाई के साथ कर रही है, क्योंकि उनका माजी बेदाग है, उन्होंने जो प्रोग्राम किए हैं हक की जानब किए हैं, हक की तरफ किए हैं, उन्होंने माफिया के खिलाफ लड़े हैं। तो पाकिस्तान में मुझे तो इकरार भाई को देखकर मोहम्मद बिन कासिम की याद आ जाती है कि हर दौर में जो है ना तारीख फिर अपने आप को जिंदा करती है। तो अली तनवीर वाल से जुड़े रहे, अली तनवीर वाल से प्यार करते रहे, नेक्स्ट प्रोग्राम में जरूर मिलेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें। अल्लाह हाफिज़।